औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का और अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं और कराची के हवाले से जो अहम मामलात हैं उस पर जमात इस्लामी ने एक मशावरत की है और उसके बाद अपनी हक़ दो कराची तहरीक के लाएमल का एक खाका बनाया है जिसको आपके ज़रिए से कराची के गुलभर के आवाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सितंबर के बिल्कुल शुरू में वज़ीर आज़म साहब तबाहकुन बारिशों के बाद कराची तशरीफ़ लाए थे और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के साथ मिलकर और एमक्यूएम के साथ मिलकर एक ऐलान किया था कि अब हम कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज देंगे और वो सारे मंसूबे जो पिछले कई बरस से कुछ पे काम हो रहा है, कुछ पे काम रुक गया है और कुछ किताबों के अंदर मौजूद हैं, कागजात में मौजूद हैं, उन सब को एक तकरीर की सूरत में दोबारा से लिख दिया और 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त भी जमात इस्लामी ने ये बात कही थी कि जो तीनों जमातें हैं, जो हुकूमती जमातें हैं, ये असल में तो कराची के 3 करोड़ लोगों के साथ खेल रही हैं और जब इनसे काम नहीं होता और करप्शन और लूटमार होती है और कराची के लोग जब बर्बाद होते हैं और जब ये बातें मीडिया में आना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त फिर ये लोग सर जोड़कर बैठते हैं और इनके अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो जाता है और फिर ये एक नए पैकेज का ऐलान कर देते हैं। अमलन जो है वो इससे कराची के लोगों को कोई रिलीफ ना पहले मिला और ना अब मिला है और हमने भी ये बात उस वक्त कही थी कि कोई चीज़ भी सामने नहीं आएगी और यही हुआ। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4 महीने से ज़ायद हो गए हैं उस पैकेज के ऐलान को और हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कोई मंसूबा हो या कोई रिलीफ का सामान हो जो लोगों के सामने आ सका हो। जब बारिश की तबाहकारी हुई और लोग डूब गए तो पहला काम और पहला फ़र्ज़ तो वज़ीर आज़म का ये था और वज़ीर आला का ये था, दोनों हुकुमरान हैं और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, कि वो उन लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ था, एक कोविड में लोगों का बेतहाशा नुकसान हुआ और फिर बारिशों में नुकसान हुआ तो उसका इजाला करते, कंपनसेशन देते, एक पाई भी इसमें अनाउंस नहीं की गई। जबकि कोविड के लिए 1200 अरब रुपये तो बैरूनी इमदाद के तौर पर चंद इदारों से मिल गए थे हुकूमत को। दूसरी बात यह है कि जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जो बारिश के बाद मज़ीद ख़राबी हो गई थी, सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह हाल था, तो शॉर्ट टर्म में इतना तो हमेशा होता है कि फ़ौरी तौर पर सड़कों की जो मेंटेनेंस होती है, रिपेयर वर्क होता है, पैच वर्क होता है, उसको शुरू कर दिया जाता है। 4 महीने गुजरने के बाद 5% भी इस पर काम नहीं हो सका, 5% भी, बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर खड्डे बने हुए। ये क्या हमने जो है वो जुर्म किया है कराची के लोगों ने कि जिनको ये सारी हुकूमती जमातें नाम लेती हैं कराची का, मैंडेट की बात करती हैं कराची से और ये सब मिलकर कराची के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। कोई इसमें तख़सीस नहीं है। पहले अगर नून लीग वफाकी हुकूमत में थी और ये काम कर रही थी तो अब PTI वफाकी हुकूमत में और यही काम कर रही है। पीपल्स पार्टी तो मुसलसल कराची दुश्मनी का सबूत देती है। MQM तो हर हुकूमत के अंदर शामिल होती है और पिछले 35 साल कराची की बर्बादी में जो इसका किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि MQM और उसके धड़े यानी PSP वगैरह जो हैं वो आकर जब कराची के हकूक़ के मुतालबे करते हैं और रैलियाँ निकालते हैं तो पहले तो वो जवाब दें ना कि उन्होंने जो चाइना कटिंग की है, जिन्होंने इस शहर को बर्बाद किया है, जो इस यहाँ पर करप्शन और लूट मार किए और वो मनसूबे जो नेमतुल्ला खान साहब के थे उसको भी जिस बर्बादी के साथ, जिस करप्शन के साथ आगे बढ़ाया, चंद पूरे हुए और उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हो सका। कोई एक नया मंसूबा नेमतुल्ला खान के बाद MQM की उस बल्दिया में, जिसके आज मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त मेयर थे और आज उन्होंने MQM की एक दूसरी पार्टी PSP बना ली है, कोई एक मंसूबा उनका नया नहीं था और जो थे उसके ऊपर भी जो अगर 8 करोड़ का काम था तो 28 करोड़ और 48 करोड़ में होता था। ना कॉलेज उसके बाद कोई एक नया बना 32 कॉलेजों के बाद, ना K3 के बाद K4 कोई एक कतरा पानी का इजाफा उनकी हुकूमत में नहीं हुआ। वो KCR के जो बंद MQM के ज़माने में हुई और उसके बाद 2005 में उसका
एक जुजवी सा इफ्तिताह भी हो गया, लेकिन 5 के बाद जब नेमत साहब, हालांकि उनके डोमेन में नहीं आता था लेकिन उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था, और उनके बाद जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के पूरे दौर में, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में, फिर वसीम अख्तर के दौर में, और हुकूमतों के अंदर MQM सब में शामिल रही। और 2005 से 2009 का वो ज़माना था जब 100% इनको वफाकी हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी। बेताज बादशाह थे पूरे सूबे के, सिर्फ कराची के नहीं, पूरे सूबे के बेताज बादशाह थे MQM, और ज़ाहिर इनके जितने भी लोग थे, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिससे कराची के लोगों को रिलीफ मिलता। और पीपल्स पार्टी अब मुसलसल 12 साल से बरसर इक्तदार है, पिछले यानी हर साल कराची के लोग 2500 अरब रुपए तो टैक्स में अदा करते हैं, इनकम टैक्स में, और इनके लिए ये कहा जाता है कि 1100 अरब रुपए के पैकेज का हम ऐलान कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जिसमें इन सारी हुकूमती जमातों ने पिछले तवील अरसे से कराची के लोगों के साथ ये जुल्म किया हुआ है, ज्यादती की हुई और बर्बाद करके रख दिया है इस शहर के लोगों को। जमात इस्लामी बहुत स्पेसिफिकली पूरी तैयारी के साथ, इसलिए कि हम इस शहर को जानते हैं, हमने इस शहर को डेवलप किया है, कराची के हुकूक की तहरीक को चला रही है, आगे बढ़ा रही है। पिछले दिनों विफाकी काबीना ने एक जुल्म पहले किया था कोटा सिस्टम के तौर पर, कि उसको गैर मुयना मुद्दत के लिए उसमें इजाफा कर दिया था। और मैं पूछना चाहता हूं MQM से और उसकी पूरी क्यादत से कि विफाकी काबीना में MQM मौजूद है, और कोटा सिस्टम में जब गैर मुयना मुद्दत के लिए इजाफे का फैसला हुआ और एक नाजायज तरीके से SRO के जरिए उसको अनलिमिटेड कर दिया गया, तो उसके बाद से लेकर आज तक MQM ने एक लफ्ज इस कोटा सिस्टम के खिलाफ बात नहीं की है। वो अपनी पोजीशन को वाजे करें, वो क्या कहते हैं, वो काबीना में शामिल हैं, और इस कोटा सिस्टम के हवाले से और तंजीमें भी जो है वो बात नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बात को इन्होंने कबूल कर लिया कि अब कराची के लोगों के लिए बस इसी तरह से होगा। फिर जो मुलाजमतों का मामला है, जो पीपल्स पार्टी खासतौर पर मुकामी इदारों में और सिंध हुकूमत में ये जुल्म हमारे साथ कर रही है कि कराची के नौजवानों का कोई हिस्सा नहीं है, हमने पिछले दिनों देखा, एक चावल मीडिया के सामने पेश किया था कि 6000 जो एलिमेंट्री जूनियर एलिमेंट्री टीचर जो कहलाते हैं, जिसे आप कहते हैं प्राइमरी टीचर्स, 6000 असामियां थी और कराची के लिए सिर्फ 343 असामियां थी। क्या जुर्म किया है कराची ने? एक तरफ तो आप इतने हसास हैं कि अगर कोई रवानी में कह दे कि सुबह सिंध और कराची, तो आप बिलबिला जाते हैं कि हमारी धरती के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। ओ भाई, कौन कहता है आप? लेकिन कराची को सूबे का हिस्सा नहीं समझती पीपल्स पार्टी, कराची के साथ जुल्म करती है, बाकायदा इसको मार्जिनलाइज करती है, और सिर्फ वसाइल के लिए कहती है कि हमारी धरती है, खर्च नहीं करना चाहती, सिर्फ लूटने के लिए कराची को अपना हिस्सा कहती है, बाकी इसके नौजवानों को मुलाजमतें नहीं देती, इसके जो है वो इदारों को ठीक नहीं करती, इसकी सड़कें नहीं बनाती, इसमें पानी का मंसूबा आगे नहीं बढ़ाती। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के साथ 5 साल, अभी अगर ताज़ा माजी को देख लें हम, 2008 से 2013 तक MQM पीपल्स पार्टी के साथ विफाक में भी और सूबे में भी इत्तेहादी हुकूमत रही है, और अब भी 2018 के बाद MQM विफाक के साथ इत्तेहाद में शामिल है, जिसने कोटा सिस्टम का फैसला किया। मर्दमशुमारी को विफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी, जो एक गैरकानूनी अमल है, क्योंकि मामला CCI में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, पिछली मरतबा जब नवंबर में इसका इजलास हुआ CCI का, तो ये कहा गया कि ये एजेंडे पे होगी, लेकिन PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, इन सब का इश्तराक अमल है कराची के खिलाफ, उन्होंने उसको एजेंडे पे नहीं रखा। फिर कहा कि जनवरी में एजेंडे पे होगी, लेकिन अभी तक उसका एजेंडा वाजे नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है कि वो मीटिंग कब हो रही है और उसका एजेंडा क्या है। और मर्दमशुमारी जिसमें कराची की आधी आबादी खा ली गई है, और उस आबादी को जो है सामने लाकर कहा गया है कि इसी को कबूल कर लो, इसी को मंजूर कर लो, और तुम्हारी किस्मत में यही है कि 1981 से लेकर आज तक हमारी मर्दमशुमारी के साथ यही सलूक हो रहा है। हमारे पास वो सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जब 1981 में ये मर्दमशुमारी हुई थी तो उस वक्त
इसकी आबादी को 55 लाख शो किया गया था। सन 87 में जाकर नोटिफाई की गई थी मर्दमशुमारी, और आपको मालूम है कि 86-87 से लेकर अब तक कौन इस शहर का बेताज बादशाह था, किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। और यूएनओ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, छपी हुई रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें बात मौजूद है कि उस वक्त कराची की आबादी किसी सूरत 98 लाख से कम नहीं थी उस वक्त 1981 में। फिर उसके बाद जाकर मर्दमशुमारी हुई 1998 में, फिर हमें 98 लाख उस वक्त जाके शो किया गया, जो हमारी आबादी उस वक्त किसी भी सूरत में 2.25 करोड़ से कम नहीं थी। फिर अब जब ये मर्दमशुमारी 2017 में हुई तो वो आबादी के जो 2.33 करोड़ उस वक्त होनी चाहिए, सारी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट, मेहताब करीम की रिपोर्ट, यूएनओ की रिपोर्ट, मास्टर प्लान जो 77 का था उसके एतबार से, हर लिहाज से जो प्रोजेक्शन मिलती है उसमें कराची की आबादी उस वक्त जब ये मर्दमशुमारी हो रही थी तो 2.5 से 2.75 करोड़, और अब तो 3 करोड़ से कहीं ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो पूरा अशराफिया है, हुक्मरान तबका है, इस्टेब्लिशमेंट है, कराची ने क्या किया है कि ये सब मिलकर कराची की आबादी को खा जाते हैं। हुकूमती जमातों से बात करो तो कहते हैं कि फौज इसमें शामिल थी। अब हमने जब इसका तफसीली जायज़ा लिया तो पता चला कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसमें जो शुमारियाती ब्लॉक है उसमें 0 घराने हैं और 0 आबादी है। अब मुझे बताइए कौन सी साइंस है, और कौन करता था ये? वफाकी इदारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और पाक फौज के या रेंजर्स के जवान साथ होते थे। फौज कहती है कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए साथ थे, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त के हालात में ये डबल एंट्री हुआ करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह। इस पर ISPR को, फौज को भी अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए कि अगर कराची की आबादी आधी शो की गई है तो इसमें फौज की पोजीशन भी वाजे होनी चाहिए ताकि ये जमातें उनके पीछे छुप ना सकें। और पता होना चाहिए कि यह कैसे मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 3 ब्लॉक ऐसे हो जाए जिसमें 0 घराने हैं और 0 आबादी है। 1 घराना है, 4 आबादी है, 7 घराने हैं, 25 आबादी है, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये है, और ये आज के दौर में है जब पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां डेटा बेस जो है, हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया के 20 ममालिक में शामिल हो जहां का इतना तफसीली डेटा बेस जो है वो मौजूद है लोगों का, और नादरा के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो ये आबादी आधी क्यों खाई गई है? इसलिए कि जो एक हुक्मरान तबके का जहन है कि आवाज़ को उठने ना दो। कराची बोलता था पहले, और कराची जब बोलता था तो पूरा मुल्क बोलता था, कराची जब तहरीक चलाता था तो पूरे मुल्क की तहरीक होती थी इस एस्टेब्लिशमेंट ने, और इसकी जो परवरदा जमाते हैं ये सारी, इन लोगों ने कराची की आवाज़ को बंद करने के लिए कराची की नुमाइंदगी पर डाका मारा है। और नंबर ही नहीं गिनोगे तो फिर बोलेंगे कैसे, वसाइल कैसे मिलेंगे इनको, और नुमाइंदगी कैसे मिलेगी? और ये जो शोर है कि सिंध में हमारा तनासुब ठीक नहीं है, उसकी वजह यही है कि जब आप गिनेंगे ही सही नहीं तो नुमाइंदगी का निज़ाम सही नहीं होगा, सूबाई असम्बली की सीटें कम हो जाएंगी जो हो गई हैं, वसाइल कम हो जाएंगे जो नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का हक है कि उनको दुरुस्त गिना जाए। और वो सारी पार्टियाँ भी जो अब इस पर बात कर रही हैं, मैं तो हैरान हूँ, वो तो सब शरीक रहे हैं सारे इख्तदार में इस खेल में, यानी MQM और उसके जो धड़े हैं PSP टाइप के, वो कैसे इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी मर्दमशुमारी कम हो गई है, या कोटा सिस्टम पे तो खैर वो बात ही नहीं कर रहे। ये तो सब शरीक रहे हैं इस जुर्म के अंदर, ये तो जवाब दें कराची की बर्बादी का, ये तो बताएं कि कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन क्यों बंद की गई जब MQM का वजीर ट्रांसपोर्ट मौजूद था उस वक्त। ये जवाब दें कि कराची सर्कुलर रेलवे सन 99 में बंद की गई जब बेताज बादशाह थी, MQM पूरे शहर की अपनी मर्जी से शहर खोलते थे, अपनी मर्जी से शहर बंद करते थे। तो पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक करके और वफाकी जमातों के साथ मिलकर ये कराची के साथ जो खेल खेला गया है इसकी आवाज़ को दबाने का, इसमें ये सब शरीक जुर्म है। इसलिए कराची के लोगों को अपनी आँखें खोलनी होंगी, और खुल रही हैं, देख रहे हैं लोग, और कराची को अपनी असल की तरफ लौटना होगा।
जमात इस्लामी ने शहर की तामीर की है, तरक्की दी है, दयानतदारी से काम किया है। कोई इख्तियार हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जब कौम मुश्किल में आई कोरोना की सूरत हाल में, तो जमात इस्लामी का वर्कर था जिसने जान हथेली पर रखकर लोगों के घरों पर खामोशी के साथ राशनों को पहुँचाया और स्प्रे किया सरकारी इदारों में, तालीमी इदारों में, थानों के अंदर, चर्च में, मसाजिद में जाकर स्प्रे किया, डिसइंफेक्ट किया, राशन पहुंचाया लोगों को, वायरोलॉजिकल लैब बनाई हमने जहां पर बहुत ही कम कीमत के अंदर लोगों का सब्सिडाइज रेट पर टेस्ट किया जाता है, और जो खिदमत हमसे हो सकती हमने की है। जब बारिश हुई तो जमात इस्लामी का रजाकार सामने आया और उसने लोगों को रिलीफ का काम किया। तो ये क्यों हमारे साथ ये ज्यादती और सलूक किया जा रहा है? तीसरी बात यह है कि जो मुलाजमतों का मामला है, जिसका मैंने अभी आपको एक हवाला दिया, हम ये समझते हैं कि कराची के नौजवानों को मकामी इदारों के अंदर तरजीही बुनियाद के ऊपर मुलाजमत मिलनी चाहिए, ये आईन की स्पिरिट भी है, और पुलिस के अंदर भी हमारी नुमाइंदगी कराची के मकामी लोगों की होनी। दुनिया भर में ये सिस्टम मौजूद है, जहाँ काउंटीज़ का सिस्टम है, जहाँ शहरी हुकूमतें मौजूद होती हैं, कि वो जो मकामी लोग, एक पुलिस होती है कम्युनिटी पुलिस उसे कहा जाता है, वो मकामी लोगों पर मुश्तमिल होती है और उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उसके अलावा। लेकिन यहाँ लोगों को क्यों पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती? या जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं, अब तो आहिस्ता आहिस्ता सब उन पर मुश्तमिल हो गए हैं कि जिसमें मकामी लोगों की नुमाइंदगी अब ख़त्म होती जा रही है, जो रिटायर होते चले जा रहे हैं। तो भाई, आप सबको मुलाजमत दें, आप पूरे सिंध के लोगों को मुलाजमत दें, आप पूरे पंजाब के लोगों को मुलाजमत दें, केपी और बलूचिस्तान को मुलाजमत दें, तो हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमें हमारे नौजवान को मुलाजमत क्यों नहीं मिलती? उसकी किस्मत में बस ये फूड पांडा और खाना सप्लाई क्यों रह गया है? हमारे बच्चे बच्चियाँ क्या तालीम याफ्ता नहीं है यहाँ पर? इनके लिए तो तालीम के दरवाजे अब बंद करने के सारे काम हो रहे हैं। इब्तदाई तालीम बर्बाद कर दी गई सरकारी, ये नेमतुल्ला खान साहब के ज़माने में, जब ये मकामी हुकूमत के तहत तालीम का निज़ाम आया था, तो बड़ी तेज़ी से इसमें इम्प्रूवमेंट पैदा की गई थी और इसको इस काबिल बनाया जा रहा था कि जिसके नतीजे में हमारे गरीब आबादियों के लोग जो सरकारी इदारों में जाते हैं वो भी आएँ, बल्कि मॉडल स्कूल बनाने शुरू कर दिए थे जिसके नतीजे में गरीब अमीर की तफरीक ख़त्म हो रही थी और लोग मेयारे तालीम की वजह से अमीर लोग भी वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो एक स्पिरिट है तालीमी निज़ाम की, एक तो तबकाती निज़ाम तालीम है, कई कई तरह के सिलेबस हैं, और सारे दावों के बावजूद ये काम अभी तक चल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अब तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी तालीम के दरवाजे बंद हो गए। अभी ताज़ा आपने देख लिया एमडी केट में जो लड़कों के साथ, बच्चे लड़कियों के साथ सलूक किया गया है। तो इस पूरे अमल में जमात इस्लामी ने शहर को डेवलप किया था, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, फेडरल बेरिया में हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल बनाया, आज उसकी हालत देख लीजिए आप, जिन लोगों के हाथ में ये रहा है इस अरसे में। हमने चेस्ट पेन सेंटर बनाए थे उस वक्त, हालांकि हमारे डोमेन में सारी चीज़ें इस तरह से नहीं आती थी, लेकिन वो काम किए थे कि जो इख्तियार में नहीं भी थे उस पर भी जो है वो काम आगे बढ़ा दिया था। लेकिन बाद में जो सलूक हुआ, जो चाइना कटिंग हुई, जो बर्बादियाँ हो गई, जो ऑफिस खुल गए इन जगहों पर, जो पार्कों पर कब्जे हो गए, अब इस वक्त शहर के नौजवानों के लिए खेलने की कौन सी जगह है मुझे बताएं आप? अच्छी अच्छी आबादियों में जहाँ मास्टर प्लान में ग्राउंड और पार्क्स मौजूद हैं, उन पर कब्जे हुए हुए हैं, और अगर ग्राउंड बन भी गए तो वो प्राइवेट माफिया को दे दिए गए और उसमें मकामी बच्चे खेल ही नहीं सकते। तो ये हम कहाँ जाए, ना खेल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना जॉब मिलेगी, तो फिर दायरे दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं आप, स्ट्रीट क्रिमिनल तैयार कर रहे हैं, नशे का आदि बनाना चाहते हैं इस नस्ल को, और जो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इन हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता और उन झूठे नारों और दावों पे नहीं छोड़ा जा सकता कराची के लोगों को। जमात इस्लामी ने इसीलिए हुकूक कराची तहरीक शुरू की है, हमने कोई सियासी नारेबाजी नहीं की है, वर्किंग की है, और अपना माजी अपनी कारकर्दगी की सूरत में पेश करके मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। इस शहर में पोटेंशियल है, इन गए गुजरे हालात में भी जब टैक्स की रिपोर्ट आई है तो 41% टैक्स इस कराची के लोगों ने अदा किया है और बाकी पूरे मुल्क ने बकिया टैक्स अदा किया है, जबकि यहाँ से फैक्ट्रियों को ले जाया जा रहा है, सारे काम वो किए जा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री यहाँ से चली जाए। अभी गैस की बंदिश हुई हुई है, आम लोग भी तंग हैं बिल्कुल, घरेलू सारफीन भी, और अब सनती इदारे भी जो है उनको भी आप उनकी पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है, जो हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक की सूरत में और के ESC को प्राइवेटाइज करने की सूरत में माफिया मुसल्लत किया गया। आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जिसमें ये चारों पाँचों जमातें एक नहीं हैं?
बिजली माफिया जो कराची पर मुसल्लत रही है सरसे में, और जितना दुख हमने झेला है, अभी तो सर्दियां हैं तो हमें लोड शेडिंग का इतना वो नहीं होता, जैसी गर्मी आती है तो सब बिल बिला जाते हैं, लेकिन बिल तो फिर भी आ रहे हैं। इस पूरे माफिया पे पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब पीटीआई और एमक्यूएम सब शरीके कार रहे हैं, और इस वक्त भी इस बात की कोशिश हो रही है कि सैकड़ों अरब रुपए जो इनकी लायबिलिटी है, जो पेमेंट करनी है के इलेक्ट्रिक ने, के इलेक्ट्रिक को क्या पेमेंट करनी है पाकिस्तान के इदारों की, तो ये जो बहुत ईमानदार हुकूमत है पीटीआई की, वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से इनको रवाना कर दिया जाए। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 50 अरब रुपए अदा किए थे जब ये दोबारा प्राइवेटाइज हुई थी, दूसरी कंपनी को चली गई थी 2009 में, तो उनकी लायबिलिटी सिंध हुकूमत ने और उस वक्त विफाक में थे अदा की थी। तो अब इमरान खान की हुकूमत चाहती है कि काम करे, ताबिश गौर इसीलिए आए हैं, और वो अपने एक केसेस की वजह से जब जाना चाहते थे बायको वगैरह के केसेस की वजह से, तो खान साहब ने उनको फिर रोक लिया है कि ये इश्क उनका ख़त्म ही नहीं होता अब राज ग्रुप से, ताबिश गौर हो या आरिफ नकवी हो, वो उनकी कमेटियों का हिस्सा होते हैं, वो उनके मुशीर होते हैं, और ये सब लोग मिलकर कराची के लोगों को लूटते हैं, तो ये कौन सी ईमानदारी है और ये कौन सा लोगों का ख्याल करना है। तो आप उस मैंडेट का ही एहतराम कर लें जो जितना भी आपको मिला था इस शहर से। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब हुकूक कराची तहरीक के को हम तेज़ करेंगे, और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज और धरने किए हैं। कल नर्सरी स्टॉप पर इंशाल्लाह धरना होगा, फिर उसके बाद 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी और फाइव स्टार चौरंगी पर एहतजाजी मार्च भी होगा, धरना भी होगा, फैमिली धरना होगा। फिर उसके बाद अलादीन पार्क पर 17 तारीख को धरना होगा, फिर 23 तारीख को करीमाबाद चौरंगी पर धरना होगा, 22 जनवरी को पूरे शहर में हम एहतजाज करेंगे जुमे की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर भी और पब्लिक मकामात पर, बैक वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुजाहरे किए जाएंगे, और 28 जनवरी को हम शहर में बैक वक्त 50 मकामात पर धरने करेंगे। हमें सही गिना जाए, कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, कराची के नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएँ, के इलेक्ट्रिक की माफिया से हमारी जान छुड़ाकर इसको फॉरेंसिक ऑडिट करके सारे इसके हुकूमती किरदार बेनकाब किए जाएँ, ट्रांसपोर्ट का हमें सिस्टम दिया जाए, धोखा ना दिया जाए, 1100 अरब रुपए के पैकेज का कौम को बताया जाए कि वो कहाँ हैं, और कराची की जो तबाह हाल सूरत हाल है उसको फौरी हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए। बहुत तवक्कात हमें हुकुमरानों से नहीं है, लेकिन हम ये तो कहते हैं ना कि भाई जो पैसे हम देते हैं, जो टैक्स हम देते हैं, हमारी सड़कें तो पैचवर्क तो कर दो, सीवरेज का काम तो ठीक कर दो, गटर उबल रहे हैं उनको तो बंद कर दो, इतना तो कर दो कम अज़ कम। तो हम अब अवामी दबाव आवाम के साथ मिलकर इस तहरीक को चलाएंगे और बेनकाब करेंगे उन सारे लोगों को जो मजीद धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो इन सारे जराइम में शरीक हैं, वो दोबारा से जो है वो ताज़ादम होकर कौम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल हमने 28 जनवरी तक का एक प्रोग्राम चाकआउट किया है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आइंदा की भी चीज़ें हैं जो मुशावरत के अंदर शामिल हैं कि हम इस शहर की बुनियाद पर भी एक बहुत बड़ी रैली भी और उसके बाद धरनों को का भी एक ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि जिसमें फिर हम अपने इस प्रेशर को आवाम के साथ मिलकर इस तरह से बनाएंगे और उनके लिए घेरा तंग करेंगे हुक्मरानों के लिए ताकि हमें हमारे हुकूक मिल सकें। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो? और मैं इस वक्त एक बात और भी कहना चाहता हूँ मीडिया के हवाले से भी, ये जो एक जाली किस्म की अपोजिशन और जाली किस्म की हुक्मरानों का नाटक चल रहा है इस वक्त, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के लोग मुर्गे लड़ाते हैं रोज़ाना और दोनों मिलकर सारी चीज़ों में एक होते हैं, मर्दमशुमारी कराची की है तो उस पर पीडीएम और पीटीआई के मौक़िफ में कोई फ़र्क नहीं है, कोटा सिस्टम पर पीडीएम और पीटीआई और एमक्यूएम में कोई फ़र्क नहीं है, इसी तरह कराची की जो डेवलपमेंट, ये जो ग्रीन लाइन मनसूबा है जो मुकम्मल नहीं हुआ तो पहले नून लीग ने नहीं किया था, पीटीआई ने नहीं किया, बल्दियाती इंतखाब न कराने पर हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाब फौरी तौर पर कराए जाएं, इस पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक हैं। तो फिर ये धोखा देने के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी कौम को इंगेज किया जाता है 22 करोड़ लोगों को, ये सिलसिला भी अब ख़त्म होना चाहिए और अब आवाम को भी बेनकाब करना चाहिए इन सारे आवाम दुश्मन तमाम इकदाम पर, चाहे वो माशी पॉलिसियाँ हों, IMF की गुलामी हो, चाहे वो अमरीका की गुलामी हो, कश्मीर का मामला हो,
सब पर पीडीएम और पीटीआई के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये नाटक क्या हो रहा है? इसलिए जेन्युइन इश्यूज के ऊपर अब सियासत होगी, और जमात इस्लामी इसीलिए वाजे तौर पर आवाम के उन इश्यूज को सामने लाकर काम कर रही है, और कराची में हमने हुकूक-ए-कराची तहरीक को इस तरह से डिजाइन किया है।